नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Infinix Note 10 Pro versus Vivo Y53s 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Note 10 Pro में 6.8 इंच जबकि Y53s 4G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Note 10 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो Note 10 Pro में 3.08 इंच जबकि Y53s 4G में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Note 10 Pro से कम है। बात करें थिकनेस की तो Note 10 Pro में 0.34 इंच जबकि Y53s 4G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Note 10 Pro में 207 ग्राम्स जबकि Y53s 4G में 190 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Note 10 Pro में 20:5:9 जबकि Y53s 4G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Note 10 Pro में 6.95 इंचेस जबकि Y53s 4G में 6.58 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Note 10 Pro में 1080x2460 और Y53s 4G में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Note 10 Pro में 84.95% जबकि Y53s 4G में 84.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Note 10 Pro में 387 पिक्सल प्रति इंच जबकि Y53s 4G में 401 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Note 10 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Y53s 4G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Note 10 Pro में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y53s 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Note 10 Pro में Mali-G76MC4 जबकि Y53s 4G में Mali-G52MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Note 10 Pro में MediaTek Helio G95 और Y53s 4G में MediaTek Helio G80 मिलता है। बात करें रैम की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Note 10 Pro में 256GB जबकि Y53s 4G में 128GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Note 10 Pro में अप टू 256GB जबकि Y53s 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Note 10 Pro में 3 कलर्स जबकि Y53s 4G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Note 10 Pro 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है, और बात करें Y53s 4G की तो वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 19,490 रुपीस में मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 5 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में नोट 10 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो पोवा 2 है जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। दूसरा वीवो Y21 2021 है जो कि 15,490 रुपए में मिलता है। तीसरा ओप्पो F19s है जो कि 19,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी M32 5G है जो कि 22,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।